हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। आइए मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। हल्की हल्की ठंड चालू हो गई है, सबका मन करता है कुछ हलवा खाए, पर हेल्दी वाला हलवा खाए। आज हम गाजर का हलवा बनाते हैं जिसमें हम मावा यूज़ नहीं करेंगे और ये मैं दूध में ही बनाती हूँ और घी भी मैं इसमें हल्का सा 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून बोल सकते हैं, वो लास्ट में डालेंगे हम। तो चलिए इसका प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है। जब हलवा बनाओ आप तो कढ़ाई में बनाइए तो बहुत बढ़िया बनता है। और ये मैंने इसमें 1 किलो गाजर कद्दूकस की है। आजकल जो बनाते हैं बहुत से लोग चॉपर में गाजर ग्रेट कर लेते हैं, पर मुझे हमेशा ऐसा कद्दूकस किया वही गाजर पसंद है, आप देख सकते हो। और मैंने जैसे 1 किलो गाजर ली है तो उसमें मैं 1.5 लीटर दूध लूँगी। ये गर्म किया हुआ दूध है और मैंने इसकी मलाई नहीं निकाली। ये देखिए आप, मैं मलाई के साथ में ही डाल रही हूँ। 1.5 लीटर लिया है, आप रेशियो यही रखिएगा। और दूध को अच्छा उबाल आने देंगे हम। और जब आप गाजर ये कद्दूकस करते हो तो इसमें जैसे ये मोटी लकड़ी जो होती है पीली वाली, ये निकाल दीजिएगा आप। मैं निकाल देती हूँ जितना हो सकता है, 20 जितना मेरे से बन सकता है। तो करीबन समझ लो थोड़ी बहुत लकड़ी निकलती है उसके अंदर, 200 ग्राम के करीब। तो अभी हम दूध में पहले उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। ये देखिए दूध में बहुत अच्छा उबाल आ गया है। हमें दूध को कढ़ाना नहीं है, मीन्स इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें कम नहीं करना है, हमें बस इसे एक बॉईल देना है। और अभी हम ये जो गाजर कद्दूकस किए हैं ये इसमें डाल देंगे हम। जब ये गाजर सॉफ्ट हो जाएगी तो दूध अपने आप ऊपर तक तैरेगा इसमें। अभी आपको देख के लगेगा कि यार दूध की क्वांटिटी तो बहुत कम है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग का बहुत अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का। कोई लोग पहले घी में गाजर पहले भूनते हैं, कोई लोग मिल्क पाउडर से बनाते हैं, कोई लोग कंडेंस मिल्क से बनाते हैं, कोई लोग मावा से बनाते हैं। पर मैं हमेशा इसको हेल्दी वर्जन देने के लिए, मैं कितने सालों से मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। लास्ट 25 से 30 साल से मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, 30 साल से मैं यही प्रोसीजर से बनाती हूँ। तो अभी हम इसका जो दूध है ये दूध पूरा सूख जाना चाहिए। जब तक हम इसे गाजर को हिलाते रहेंगे, मीन्स बीच बीच में हिलाते रहेंगे, आप इसे छोड़ के अपना काम भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइड से जो चिपकेगा उसे आके फिर आप निकाल दीजिएगा इसे कुछ ही ऐसे। अभी मैं इसे देखिए ऐसे करके मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर और बीच बीच में मैं हिलाते रहूंगी इसे। जब तक दूध पूरा सूखे नहीं तब तक हमें इसे गाजर इसी के अंदर सेकना है, हमें इसी में भूंजना है। तो ये देखिए एक तरफ मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, इसे मैंने सोक नहीं किया था, इसे मैं गर्म पानी में 5 से 7 मिनट तक गैस पे बॉईल कर लूंगी तो इसके छिलके बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो चलिए अभी जब गाजर का दूध सूखने को आएगा, थोड़ा कट जाइए सूख जाएगा इसमें, तब हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने अभी गाजर डाली है, मैंने आपसे बताया था पर मैं ये आपको बताना भूल गई। ये देखिए ये सैफरन की पत्तियां हैं, ये मैं इसमें अभी डाल दूंगी। इससे जो दूध का जो कलर है, जो बाद में एक पापड़ी जैसी एक जगह जगह दाने दाने जैसे आते हैं सिरे के अंदर, वो केसर के रंग में, गाजर के रंग में रंग जाएंगे, वो वाइट दाने नहीं आएंगे, वो एकदम पीले दाने रहेंगे, तो उससे बहुत अच्छा होगा। तो आप इसी समय डालिएगा दूध के अंदर केसर पत्तियां, ये देखिए। और ये सिरे को हम, मैं गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, मैं जनरली इसे बस हर 10 मिनट से, हर 5 मिनट से, हर 4 मिनट से मैं इसको हिलाती रहती हूँ। तो आपको भी वैसे ही बनाना है। ये देखिए इसमें दूध कैसे ऊपर तक उफान आ रहा है, इसे हमें ऐसे मिलाना है। बहुत सिंपल है, आई थिंक गाजर का हलवा सबके घरों में बनता होगा, बस सबकी थोड़ी अपनी अपनी स्टाइल होती है। ये मालती किचन में मालती की स्टाइल है, आप देख सकते हो। बस मैं इसे हर 2 मिनट 3 मिनट से ऐसे हिलाती रहूंगी ऐसे, और साइड जो लगता है उसे ऐसे किनारे से निकालती जाऊंगी। ये जो हमने 1.5 लीटर दूध डाला है इसे सूखने को कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा आराम से। ये देखिए मैंने फ्लेम हाई रखा है, कितने बबल्स आ रहे, धीरे 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 हर 5 मिनट हर 7 मिनट में दूध की क्वांटिटी कम होती जाएगी और गाजर पकती जाएगी। और जो साइड में लगता है ये हमें निकालते जाने का है। ये देखिए ये जो साइड में लगता है ये मैं निकालती जाती हूँ, ये देखिए आप, ये मैं निकालती जाती हूँ। अभी हमें इसे चढ़ाने को 7 से 8 मिनट हुए हैं। ये देखिए हमारा 75% दूध हमारा इसमें पक सूख चुका है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए ये मैं इसके अंदर घर की मलाई ली है 1/2 कप। ये जब 75% दूध जल जाए या सूख जाए जो बोलते हैं आप, तब इसमें मलाई डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मलाई नहीं डालनी है तो आप मत डालिए, पर मैं थोड़ा डालती हूँ।
उससे जो क्रीमीनेस है हलवे में वो बहुत बढ़िया आता है। और इसे मैं अभी पूरा दूध सूख जाएगा उसके बाद ही हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये देखिए जब से मैंने रखा था तब से फ्लेम हाई थी, अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो मीडियम कर दिया है ताकि हलवा नीचे नहीं लगे। ये देखिए दूध अभी सूखना बाकी है। और अब ये स्टाइल से हलवा बनाओगे हलवा बहुत जल्दी बनेगा। और देखिए अभी भी इसमें 1 टीस्पून के करीब मिल्क है, दूध है इसमें। पूरा सुखाना है हमें, हमें इसे एकदम सूखा करके ही चीनी डालनी है। और ये देखिए आप दूध के कितने अच्छे मावे जैसे लच्छे बने इसके अंदर, ये आप देख सकते हो। देखिए ये देखिए पूरा मिल्क सूख गया है, इसे हमें 15 से 20 मिनट लगा, पूरा 20 मिनट। अभी हम चीनी डाल देंगे, ये मैंने हाफ कप ली मेजरमेंट, देखिए हाफ कप है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आप शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना कम ज्यादा चाहिए। मैं थोड़ा शुगर कम डाल रही हूँ उसके अंदर। अभी शुगर की चाशनी भी पूरी सूख जानी चाहिए, उसके बाद हम घी डालेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये देखिए शुगर का चाशनी पानी कितना बना है, ये देखिए जो पानी दिख रहा है लिक्विड, ये हमें पूरा सुखाना है। इसे 5 से 7 मिनट लगेगा, पूरा सूख जाएगा ये। देखिए चीनी डालने के बाद में हमें हलवे को ऐसे ऐसे घोटना नहीं है, हमें इसे ऐसा ऊपर करके ऐसा हल्के हाथों से, ये देखिए ऐसा करके हमें इसका पानी सुखाना है चीनी का। ये देखिए ये ऐसे हल्के हाथों से, ये देखिए ये हमारा चीनी का पानी भी सूख रहा है। इसी समय मैं, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, ये ऑरेंज फूड कलर है, मैं हल्का सा डालती हूँ तो इससे एक रंग बहुत अच्छा आता है। और जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं हम सर्व करते हैं तो वो हिसाब से, मैं कल मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले तो मैंने वो हिसाब से, देखिए इसे मैं मिक्स करके आपको बताती हूँ उसका रंग कितना सुंदर आएगा। ये देखिए इसका कलर हमने बहुत हल्का सा डाला है, 1 पिंच, ये आप देख सकते हो। और कलर देखिए आप कितना सुंदर। अभी इसमें हमारा जो असली चीज़ जो हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, वो घी भी कैसे डालना है मैं आपको बताऊँगी अभी। ये देखिए ये चाशनी थोड़ी और गिल्ली है अभी, ये आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का जो बबल्स आ रहा है, ये बबल्स पूरे सूख जाने चाहिए। ये देखिए हमने चाशनी का जो पानी था पूरा सुखाया हमने, ये आप देख सकते हो जरा भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे इसमें। अभी इसे उतार के मैं साइड में रख लूंगी, एक साइड में। ये देखिए आप अब इसमें असली माल मसाला गिरेगा, वो भी श्रद्धापूर्वक। ये देखिए ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ले रही हूँ। अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको कितना कम ज़्यादा चाहिए। ये देखिए घी हमेशा गाजर के सीरे में लास्ट में ही डालिए तो ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए आप अभी घी गर्म हो रहा है, इसे बढ़िया गर्म कर लेंगे एकदम हम। ये देखिए घी बहुत बढ़िया गर्म हो गया है। ये मैंने इसमें काजू लिए, काजू के मैंने सिर्फ 1 से 2 टुकड़े किए हैं, काजू के 1-2 टुकड़े किए बस। देखिए आप ये काजू इसमें भूंजेंगे और यही घी इसमें डालेंगे तो जो एक मावे की जो खुशबू है घी के अंदर, वो आप सच में यकीन मानिए बहुत बढ़िया आएगी वो। ये देखिए हल्का गुलाबी होने तक काजू हम भून लेंगे इसके अंदर। ये देखिए हमने एक हल्का गुलाबी होने तक काजू को भून लिया है और यही घी मैं अभी हलवे में डालूंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देख सकते हो आप हलवे के ऊपर, ये देखिए यही घी हमें ऐसा लास्ट में हलवे के ऊपर ऐसे डालना है, इससे जो खुशबू आएगी वो ओ हो इतनी बढ़िया कि रेस्टोरेंट का सीरा भी क्या हलवा क्या बनता होगा। और देखिए ये गरम घी के ऊपर ही मैं इलायची पाउडर डालूंगी तो इससे इलायची का जो खुशबू है फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और अंदर भी थोड़ा मैं पिस्ता डालूंगी, ये मैंने सौंफ पिस्ता को कट कर लिया, ये सौंफ बादाम को कट किया है। ये देखिए अभी असली मसाला गिरा ना इसके अंदर, ये देखिए आप इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे अभी। तो अभी हमारा ये हलवा एकदम रेडी है, ये देखिए, और मैं गैस का फ्लेम भी ऑफ कर रही हूँ, एकदम रेडी है खाने। बहुत इसमें जैसे इलायची और घी या काजू हम डालते हैं जो पूरे किचन में एक महक आती है, ओहो बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है, ये लड्डू गोपाल की छोटी कटोरी है, तो मैं थोड़ा सा हमेशा उनके भोग के लिए निकालती हूँ। जब पहले सीजन में कोई पहली चीज़ बनती है तो मैं हमेशा निकालती हूँ और फिर ये प्रसाद इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए उनके नाम का निकाला है ये। और अभी हम सर्विंग बाउल में अभी हम निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है केसर इलायची की, मैं आपको क्या बताऊँ, रहा नहीं जा रहा है सच में, बहुत बढ़िया एकदम यमी। ये देखिए
इसे मैं बादाम से गार्निशिंग कर देती हूँ अभी, ये पिस्ता से कर देती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये देखिए है ना यम्मी सीरा एकदम। ये देखिए फ्रेंड्स, सीजन का पहला गाजर का सीरा हमने बनाया है। गोपाला का भोग का भी हमने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। जरूर से बनाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको, प्लीज़ इतनी श्रद्धा तो रखिए कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप मुझे थोड़ा तो प्यार दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी डिश के साथ में। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हैप्पी कुकिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।